दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गणित में नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया जाता? विश्व का सबसे सम्माननीय पुरस्कार नोबेल पुरस्कार होता है। ये पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में दिया जाता है, लेकिन यह पुरस्कार कभी भी गणित में नहीं दिया जाता। आज हम आपको बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार गणित में क्यों नहीं दिया जाता। इसके पीछे एक मानवीय संबंधों की दुखद कहानी है। चलिए वो कहानी क्या है ये जानते हैं। अल्फ्रेड नोबेल एक दिन एक फूल की दुकान पर फूल खरीदने गए। उसी दुकान पर एक महिला हिसाब किताब करती थी जिसका नाम था सोफी हिस। वह एक 20 साल की बहुत खूबसूरत महिला थी। उसको देखते ही अल्फ्रेड नोबेल उसको पसंद करने लगे। उस वक्त अल्फ्रेड नोबेल की उम्र 43 साल थी। वह धीरे धीरे उसके साथ समय व्यतीत करने लगे और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। कुछ समय बाद वो महिला अल्फ्रेड नोबेल के साथ रहने लगे। अल्फ्रेड नोबेल उसकी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं रखते थे, लेकिन सोफी हिस एक चंचल स्वभाव वाली महिला थी और वो अल्फ्रेड नोबेल के प्रति वफादार नहीं थी। उस वक्त स्वीडन के एक प्रसिद्ध गणित तज्ञ जिनका नाम था गोस्ता मिटेक लॉफलर, उन्होंने सोफी से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और जल्द ही सोफी ने अल्फ्रेड नोबेल को धोखा देकर गोस्ता के साथ रहना शुरू कर दिया, जबकि सोफी हिस का पूरा खर्चा अल्फ्रेड नोबेल ही उठा रहे थे। धीरे धीरे यह बात अल्फ्रेड नोबेल को पता चली। वो अपने साथ हुए इस धोखे से बहुत ही गुस्से में थे। उसी वक्त अल्फ्रेड नोबेल गणित में नोबेल पुरस्कार देने की सोच रहे थे। कमिटे ने उनको बताया कि उस वक्त सबसे अच्छे गणित तज्ञ गोस्टा ही है और उनको ही गणित का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ये बात सुनकर उन्होंने गणित के नोबेल पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार में शामिल करने से मना कर दिया। बाद में पता चला कि सोफी हिस ने गणित तज्ञ गोस्टा को भी धोखा देकर एक हंगरियन ऑफिसर के साथ रहने लगी। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी अल्फ्रेड नोबेल अपनी वसीयत में सोफी हिस को थोड़ी सी जायदाद दी थी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।